नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के मकराना से है, जहां उपखंड के ग्राम पंचायत काशी नगर में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा ने की। शिविर के दौरान प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। शिविर के दौरान काशीनगर सहित रतनपुरा के 48 पट्टे जारी किए गए। ग्रामवासियों की ओर से काशीनगर के लिए अलग से राशन डीलर नियुक्त करने की मांग भी शिविर के दौरान रखी गई। शिविर के दौरान मकराना प्रधान सुमिता भींचर, पीसीसी सदस्य भूराराम डूडी, काशीनगर सरपंच गोमती देवी, मकराना तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा, पंचायत समिति मकराना के विकास अधिकारी धन सिंह राठौड़, नायब तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, ग्राम विकास अधिकारी हिंदूचंद नवल, बोरावड़ ग्राम विकास अधिकारी मूलचंद वर्मा, पटवारी संपत सिंह, गेलासर सरपंच दिलीप सिंह, लोरोली सरपंच पति सुरेंद्र सिंह, सरपंच पति सुरेश कुमार, ग्रामदानी चावंडिया के अध्यक्ष सज्जन सिंह, बंकट सिंह, चांद सिंह राठौड़ सहित अनेक विभागों के अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में एक स्टाम्प वेंडर द्वारा पट्टा फाइल के नाम पर 400 के स्थान पर 800 रुपये की राशि एक महिला आवेदक द्वारा ली गई। शिविर प्रभारी एसडीएम जेपी बेरवा के संज्ञान में आने पर एसडीएम ने उक्त स्टाम्प वेंडर जेठाराम को बुलाकर लताड़ पिलाई तथा आइंदा इस प्रकार की लूट नहीं करने की हिदायत देते हुए महिला से लिए अतिरिक्त रुपयों को वापिस लौटाने के आदेश दिए, जिस पर जेठाराम ने मौके पर ही उक्त महिलाओं को बाकी राशि लौटा दी। मकराना से ब्यूरो रिपोर्ट।